हेलो गाइज, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी शादी की डीवीडी को कैसे पेन ड्राइव में कॉपी कर सकते हो और वीओबी फाइल्स को आप कैसे MP4 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहला काम आपको अपनी डीवीडी से वीडियोस को अपने पीसी या लैपटॉप में कॉपी कर लेना, जिसमें भी आप कर रहे हो। तो ये आप देख सकते हो वीओबी फाइल में कॉपी होगी, तो मैं करके दिखा देता हूँ सब कुछ। उसके बाद आपको एक जरूरत पड़ेगी एक कन्वर्टर की। वैसे तो आप VLC से कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा लो क्वालिटी में कॉपी करता है। हम बताएंगे आपको हाई क्वालिटी में कॉपी करने वाला सॉफ्टवेयर, तो जो MP4 में हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करे। तो इसके लिए चाहिए आपको VSDC, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री भी है, नो वाटरमार्क कुछ भी नहीं आता इसमें। और ये 124 MB का है और ये काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे देख सकते हो। VOV फाइल्स या फिर किसी भी ASF या MTS कोई सी भी फाइल हो, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्टली MP4 3GB किसी में भी। तो हम MP4 पे करने वाले हैं वीडियो कन्वर्ट पर क्लिक करके, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको VOV फाइल्स दिखाई देंगी, उन्हें आप कॉपी कर लेना है अपने आप जो भी आपका डी ड्राइव हो, ये लोकल डिस्क में या SSD जो भी यूज करते हो, आपको इसमें कॉपी कर लेना है। वीडियो कॉपी होने के बाद सीधे आ जाना है आपको VSDC में और यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे आपको वीडियो कन्वर्टर मिलेगा, इसको क्लिक कर देना है। फिर आपको फॉर्मेट पे दबाना है और यहाँ पे वेब पे क्लिक करके यूट्यूब पर दबा देना है। नीचे आपको 720p रैम देना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी ही सेलेक्ट करना, हाई क्वालिटी सेलेक्ट मत करना, मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको। यहाँ पे वीडियोस को लाने के लिए आपको एड फाइल्स या ओपन फाइल्स पे क्लिक कर देना है और ये आपको डायरेक्टली फोल्डर में ले जाएगा। तब जैसे उस वाले फोल्डर को क्लिक करोगे जिसमें आपने वीडियोस को कॉपी किया है, तो आपको हो सकता है यहाँ पे VOV फाइल्स दिखाई ना दें या फिर कोई सी भी, तो आपको ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है और जिस भी फॉर्मेट में आपकी वीडियो हैं आपको उसी पे क्लिक कर देना है। तो मेरी VOV में, तो मैं VOV पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगी और आपको इसे डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, तो यह वहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको कन्वर्जन पर क्लिक करके स्टार्ट कन्वर्जन कर देना है। ये वीडियो आपको ये MP4 में चेंज होती हुई दिखाई देगी और ये इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हो जाती है। लेकिन अब तक मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर देखे सब में ही ज़्यादा टाइम लगता है, सबसे फास्ट करने वाला यही है, और भी लो करते हैं और बाकी के सॉफ्टवेयर। तो आप इसी में कॉपी कर सकते हो किसी भी फाइल्स को, और मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। तो आप जिस भी फोल्डर में से वीडियो को कॉपी करोगे, वहाँ पे देख सकते हो ये एक VOV फाइल है और ये एक MP4 फाइल है जो कि 264 GB की है। अब आप इसे किसी भी पेन ड्राइव या किसी भी चीज़ में कॉपी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।